इलेक्शन इलेक्शन महिला पुलिस थाने में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये लीजिए पर्चा, वोट फॉर करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह का चिन्ह है मुक्का, वोट फॉर करिश्मा सिंह। वोट क्या है? ये इलेक्शन होने जा रहे हैं महिला पुलिस थाने में और दो उम्मीदवार खड़े हैं, एक है करिश्मा मैडम और हसीना मलिक। हसीना मलिक का चिन्ह है हार्ट, हार्ट इन द हार्ट। करिश्मा सिंह चिन्ह है मुक्का, मुक्का पे मारो थप्पा। वोट फॉर करिश्मा सिंह, वोट फॉर करिश्मा सिंह। मुक्का मुकाबला हाँ हो गया। आपको कौन नहीं जानता मैडम जी, SI करिश्मा सिंह जी, महिला थाना जनपद लखनऊ। देखिए हमारी कभी आपसे मुलाकात हुई नहीं थी, लेकिन हम बहुत सुने हैं आपके बारे में। ये लोकल न्यूज़पेपर में बहुत छपता है आपके डिसुम डिसुम के बारे में। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आपका चुनाव चिन्ह है मुक्का। अच्छा है, बहुत जानकारी रखिए। मुद्दे पे आए, आपको आपत्ति ना हो तो। हाँ जी जी जी, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ मैडम। देखिए ऐसा, हमारे पति देव ने दुबई से हमारे लिए एक फोन भेजा है 2 हफ्ते पहले, तो अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है। वो आपके कस्टम से जो है वो क्लियर हुआ ही नहीं है, तो हमारा फोन कहाँ है भैया, हमको मिल सकता है क्या? बहुत प्यार से भेजा उन्होंने। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मैडम, अभी पता कर लेते हैं कि कहाँ अटका है आपका फोन। कहाँ अटका है? तुम कहाँ देख रहे? कहाँ अटका है वो देख। तो कहाँ बताओगे तुम उसके बारे? पता चलेगा कहाँ अटका है। देखिए यहाँ अटका है मैडम आपका फोन। वो कहावत सुनी है आपने कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है? दरअसल क्या है कि आपके पति ने भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों जगह पे अपना ही नाम लिख दिए हैं। दोनों जगह तो ये क्लियर कैसे करना है वो बताओ। कुछ करने की जरूरत नहीं है मैडम, अब तो आप यहाँ पे सामने बैठी हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। आप बस ये फॉर्म भर दीजिए, हम अभी आपकी अमानत आपको देते थे। जी ये हो गया, धन्यवाद। ये ले ले। हम ये नहीं मिल सकता। काहे भैया, अभी तो दे रहे थे। अब नहीं दे रहे। लेकिन क्यों? क्योंकि प्राप्तकर्ता में आपके पति का नाम लिखा हुआ है, तो नियम अनुसार आपके पति को ये पार्सल मिलेगा। अम्मा क्या टोपा हो क्या, पल में मासा पल में तोला। अभी कह रहे थे ले जा सकते हैं, अब कह रहे नहीं ले जा सकते। क्या अंटा वंटा मारे बैठे हैं क्या भैया? देखिए मैडम, नियम नियम है, आप अपने पति को भेजिए, हम ये पार्सल उन्हीं को देंगे। अब चाहते क्या हो, इनके पति देव ने दुबई से इनके लिए पार्सल भेजा है, फोन भेजा है, वो दुबई से यहाँ लखनऊ आए, पार्सल कलेक्ट करे और इनको दे और वापस दुबई चले जाए। हैं? नियम नियम है। बहुत बढ़िया, पिल्ले चलो कुछ और सोचते हैं। ठीक है मैडम जी। जी देखिए, आप चाहे तो ये पार्सल आपको मिल सकता है। तो हम भी तो यही चाह रहे हैं, और कैसे चाहे। ऐसे ये का है? ये वही है। का वही? समझिए ना। ये बाप रे, ये क्या? वही का? ये क्या है? रिश्वत मांग रहा है ये। किससे रिश्वत मांग रहे हो? यमराज से, मतलब करिश्मा मैडम से रिश्वत मांग रहे हो? रिश्वत मांग रहा है ये। रिश्वत चाहिए आपको? हाँ रिश्वत चाहिए। देखिए थोड़ा जल्दी कीजिए, क्या है किसी ने देख लिया तो खामखा दिक्कत हो जाएगी। और आप हमें 5,000 रुपये दे दीजिए, ठीक है? और सारे नोट नहीं दीजिएगा मैडम, क्या है कि अगर पुराने गले नोट दे दिए तो हम कहाँ मैडम को ढूंढते फिरेंगे, है ना? हाँ। और एक बात सुनिए मैडम, हम पूरे ऑफिस में बोलेंगे कि वोट सिर्फ आपको ही दे, और हम भी आपको वोट देंगे। क्या बात करे, वोट दिलवाएंगे? अरे वाह, रिश्वत चाहिए ना मतलब आपको? हाँ रिश्वत तो चाहिए। आप रिश्वत देंगे? तो पार्सल चाहिए ना हमको, हमारे पति देव ने। संतु जी हमारा बात सुनिए तो। नहीं सुनना तेरा बात। संतु जी क्या कर रहे? मेरे से प्यार करता है ना? हाँ। सच सच जाके अपनी बुआ को बता दे। अरे नहीं बता सकते उनको, यही तो प्रॉब्लम है ना संतु जी। आप समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही है, वो ना बड़ा पुराने ख्यालातों वाली महिला है, बहुत पुराना विचार है उनका, वो समझेंगे ही नहीं।
इसके अलावा आप हमसे जो कहिएगा ना संतु जी, हम वो कर देंगे। आप हमसे कहिएगा ना तुम छत से कूदो, हम कूद जाएंगे संतु जी। कूद जा छत से। हैं? हाँ, जान छूटे मेरी। बाप नहीं संतु, संतु सुनिए तो सही। बापरे, बचाओ बचाओ हसीना मैडम। एक मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है यहाँ पर? करिश्मा सिंह रुक जाइए प्लीज। देखा, सांड की रस्सी खुली नहीं, सिंह मारना शुरू। सांड बोले आप? बहू को सांड बोली? नहीं, एक सेकंड करिश्मा जी, क्या बात कर रही है? करिश्मा मैडम से भौकाल दिखाते हुए अच्छी लगती है, एकदम एक्शन क्वीन। ललित कुमार, ललित कुमार। कौन? मैडम जल्दी पहचानिए ना, वरना ये चीर देंगे हमें। मैडम कितनी बार तो हम आपसे मिले हैं ना, आपके केस के सिलसिले में हमारे ऑफिस में। ललित कुमार है हम। एक मिनट करिश्मा सिंह रुक जाइए। देखिए, हाँ हमें याद आ गया है, हम केस के सिलसिले में कई बार आपके ऑफिस में मिल चुके हैं। बहुत शरीफ आदमी है ना, बात तो करने दीजिए। जिन्हें आप शरीफ और नेक इंसान समझ रही है ना मैडम सर, उन्होंने हमसे रिश्वत मांगा है, हमारे मुँह पे रिश्वत। भाई तो नहीं करिश्मा सिंह, आप जो कर रही हैं वो गैर कानूनी है और हम आपको ये नहीं करने देंगे, आप इन्हें नहीं मारेंगी। मैडम सर प्लीज, अब आप हमें नहीं रोक सकती हैं। जब तक इलेक्शन का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक डिपार्टमेंट ने हमारे थाने को आपको आपके तरीके से और हमें हमारे तरीके से काम करने का छूट दिया है। हाँ भैया बताओ, रिश्वत लेते हो? किस किस से लिया, कब कब लिया, सब बताओ। किसी से रिश्वत नहीं लिया है, कभी भी रिश्वत नहीं। झूठ। देखिए जीवन में पहली बार हमसे ये पाप हुआ है, यकीन मानिए मैडम हम बहुत पछता भी रहे हैं, गिलानी का अनुभव हो रहा है बहुत अंदर से। मैडम देखिए, 10 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, अपनी नौकरी हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किए हैं, हमें 2 बार बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड में नॉमिनेट भी हुए हैं। मिला कि नहीं जी? नहीं मिला नहीं। रिश्वत लेते हैं कहां से मिलेगा? नहीं लेते रिश्वत भाई साहब। देखिए मैडम, हमने आज तक किसी का फ्री में समोसा तक नहीं खाया है, उल्टा लोग जो समोसा खाते हैं हम उसके पैसा दिए हैं, ऐसा संस्कार नहीं है मैडम हमारे, ये तो आज पहली बार हो गया। क्यों, आज रिश्वतखोरी का शुभ मुहूर्त निकला है? नहीं भाई, मजबूर थे, धर्मपत्नी ने कहा ऐसा करने को तो हमने किया। ये सब आपकी वाइफ ने कहा करने के लिए? हाँ, देखिए हम अपनी धर्मपत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, उसका कोई भी कहना हम टाल नहीं सकते। नहीं, एक सेकंड, अगर आपकी वाइफ ने कहा कि कुएं में जाके कूद जाओ तो कूद जाओगे? हाँ कूद जाएंगे। देखिए पहली बार रिश्वत लिया है इसलिए इस बार माफ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार बीवी के चक्कर में आके कोई चूरन गिरी किया तो मैया कसम बता रहे हैं कि सीधा जेल में डालेंगे, माफी नहीं देंगे, क्या समझे? समझ गए मैडम, कभी नहीं करेंगे मैडम, अम्मा कसम, पहली बार जो किए हैं उसी के पछतावे में दबे जा रहे हैं, दोबारा क्यों करेंगे। मैडम अब हम जाएं? जाओ। एक मिनट। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं है, हमें एक बात बताओ, इतना डरते काहे हो? राधा रानी से? हाँ राधा रानी से इतना काहे डरते हो? उसको समझा दो ना कि भैया तुम्हारे जो इतने खर्चे हैं वो मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, तुम्हारे इतने खर्चे हैं मेरे इतना इनकम है, उसको अच्छे से समझा दो, वो समझेगी। बेसिकली कहना चाहती है मैडम कि तुम्हारे औकात से वो बाहर है। हाँ। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? हाँ तो काम करो ना अपना जाके। चाहे दो ना। नहीं बता सकते, देखिए हम बहुत प्रेम करते हैं अपनी राधा रानी से, हम नहीं चाहते कि हमारी किसी बात का उसे दुख हो। तो राधा रानी को एक पेपर लो, पेन लो, अपने फीलिंग्स जो है उसमें लिखो और उनको दे दो। और पढ़ के नाराज हो गई तो, हमें छोड़ के चली गई तो? अरे जाने दो ना उसे, वैसे भी तेरी औकात नहीं उसे रखने की। क्या बात क्या बात। कहां जाएगी, धर्म पत्नी है तुम्हारी, ये सब गीदड़ भपकियां होती है जो हम भी अपने पति देव को टाइम टू टाइम देते रहते हैं। उसको समझाओ, उसको बताओ अपनी दिक्कत, वो समझेगी, पत्नी है, सहयोग भी करेगी सच में। ठीक है मैडम, जैसा आप कहती हैं हम लिख के उसको भेज देंगे। मैडम वैसे बहुत अच्छी हैं आप। हैं? धन्यवाद।
अच्छा लगा हमें ये सब देखकर, अच्छा लगा कि आपने इतने प्यार से उसे समझाया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।